रोटर जो रहता है, रोटर में इस तरह की गैप रहती है, अगर पेचकस को इस जगह लगा दिया जाए तो रोटर लॉक हो जाएगा। तो मेरा सोचना ये है कि जब तक YouTube रहेगा और YouTube पर अपना चैनल रहेगा तब तक लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। उसके बावजूद भी 82% लोग अपने चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियो से लाभ उठाते हैं और चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आपके पास में कोई वाहन है तो उसके अल्टरनेटर की पुली से जुड़ी हुई समस्या आपने कभी ना कभी फेस की होगी। कई बार ये होता है कि पुली टूट जाती है या पुली के आगे जस्ट जो पंखुड़ी लगी होती है वो टूट जाती है, जिसे हमें रिप्लेस करने के लिए पूरा अल्टरनेटर या तो मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है या पूरा खोलना पड़ता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप घर पर ही अल्टरनेटर की पुली खोल कर रिप्लेस कर सकते हैं या पंखुड़ी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो देख सकते हैं 407 मॉडल का अल्टरनेटर है, इसमें ये पुली इसकी टूटी हुई है जिसे हमें रिप्लेस करना है। और कई बार ये होता है कि हमारी पंखुड़ी भी टूट जाती है, जिसको रिप्लेस करने के लिए हमें ये आगे की नट खोलनी पड़ती है। अगर पूरी जानकारी हो तो आप पूरा अल्टरनेटर खोल के भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर सीधा सा उपाय देखना हो तो हम इसको डायरेक्ट खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये घूमता है और खुलता नहीं है आप कितनी भी ताकत लगाएं, क्योंकि ये बहुत टाइट रहता है। इसके लिए कई बार लोग पेचकस लगाते हैं यहाँ पर जहाँ पे ये पंखुड़ी रहती है, उसमें समस्या ये आती है कि या तो ये पंखुड़ी यहाँ से मुड़ जाएगी, कुछ इस प्रकार से लगा के खोलने की कोशिश करने में ये पंखुड़ी या तो यहाँ से टूट जाएगी या फिर यहाँ से मुड़ जाएगी। तो इसका एक सीधा सा उपाय ये होता है कि जिस तरीके से आपको ये दिखाया जा रहा है, रोटर जो रहता है रोटर में इस तरह की गैप रहती है, अगर पेचकस को इस जगह लगा दिया जाए तो रोटर लॉक हो जाएगा और घूमेगा नहीं, जिससे हम आसानी से इसको नट को खोल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको थोड़ा अंदर तक पेचकस को लगाना है जो कि बॉडी पर आकर लॉक कर देगा रोटर को, और ताकत के साथ में जब हम इसे खोलेंगे तो यह इस प्रकार से खुल जाएगा। इस विधि से आप पुली को खोलने के लिए चाहें तो वाहन पर अल्टरनेटर को ना भी खोलें तो वाहन के ऊपर या ट्रैक्टर के ऊपर ही यह पुली खुल जाएगी और आप आसानी से पुली को रिप्लेस कर सकते हैं, या पंखुड़ी टूटी हुई हो तो पंखुड़ी को भी रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और जब इसको टाइट करने की या इस पर नट लगाने की बात आएगी तो इसी विधि से हम इस नट को भी वापस टाइट करेंगे जिस प्रकार से हमने खोला था। इस प्रकार से हम पहले नट को हल्के से टाइट कर लेंगे हाथ से, उसके बाद फिर पेचकस उल्टी दिशा में लगाएंगे और फिर उसको इसी प्रकार से टाइट कर देंगे जिस प्रकार से वीडियो में बताया जा रहा है, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा और आप ये काम घर पर ही कर लेंगे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आप यह काम घर पर आसानी से कर लेंगे। आई होप कि इस चैनल के द्वारा आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।